हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम अप्रैल मंथ के सेकेंड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल देखेंगे। पहले सवाल पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। हमारा पहला सवाल है, विच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट has been cancelled for the first time since World War II due to coronavirus? इसका सही उत्तर है विंबलडन चैंपियनशिप। विंबलडन चैंपियनशिप कोरोना वायरस के वजह से फर्स्ट टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट टाइम कैंसिल की गई है। अगला सवाल है, who among the following has been named the Wisden leading female cricketer of the decade? इसका सही उत्तर है एलिसी पेरी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है एलिसी पेरी, जिसे विज़डन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब दिया है। मेंस कैटेगरी में इंग्लैंड के बेन स्टोक को विज़डन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है। अगर हम रीसेंट स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें, तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन हैज बैंड थाईलैंड एंड मलेशिया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वेटलिफ्टिंग इवेंट्स at Tokyo Olympics due to multiple doping offenses, और FIFA Under 17 World Cup जो इंडिया में होने वाला था has been postponed. अगला सवाल है, महमूद जिब्रिल passed away due to coronavirus. He was former Prime Minister of which country? इसका सही उत्तर है लीबिया। Former Prime Minister of Libya महमूद जिब्रिल has passed away due to कोरोना वायरस। अगर हम लीबिया की बात करें, तो लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, करेंसी है यहाँ की दिनार, और एट प्रेजेंट लीबिया के प्राइम मिनिस्टर है फायस अल सराज। अगला सवाल है, स्पोर्ट्समैन जॉक एडवर्ड्स हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? इसका सही उत्तर है क्रिकेटर। जॉक एडवर्ड्स, जो कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगर हम रीसेंट ओबिचुअरीज की बात करें, तो वेटरन मलयालम एक्टर कलिंगा सासी का हाल ही में निधन हुआ है। वेटरन अमेरिकन एक्टर फॉरेस्ट कॉम्प्टन हैज पास्ड अवे। वेटरन कन्नड़ा एक्टर एंड पॉलिटिशियन बुलेट प्रकाश हैज पास्ड अवे। वेटरन म्यूजिक कंपोजर एम के अर्जुनन पास्ड अवे। वेटरन जर्नलिस्ट ब्रह्म कांची बोतला हैज पास्ड अवे, एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑनर ब्लैकमैन हैज पास्ड अवे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, विच स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 5T प्लान टू डील विद COVID-19? इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज अनाउंस्ड अ 5T प्लान टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। अगर 5T प्लान की बात करें, तो 5T प्लान इंक्लूड्स टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन इन स्टेट? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन फॉर COVID-19 पेशेंट्स। अंडर दिस कैंपेन हेल्थ वर्कर्स वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ COVID-19 टू द पीपल एट देयर डोरस्टेप्स। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, और हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और गवर्नर है बंधुरू दत्तात्रेय। अगला सवाल है, विच अमोंग द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 30th अप्रैल? इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 30th अप्रैल। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नवीन पटनायक, और गवर्नर है उड़ीसा के गणेशी लाल जी। अगला सवाल है,
Which state government has launched an application COVID care? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड केयर नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19. अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर. चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ के बीडी मिश्रा. अगर हम रीसेंट स्टेट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस हैज डेवलप्ड एन ऐप रक्षा सर्व विद द हेल्प ऑफ नोएडा बेस्ड स्टार्टअप मॉब कोडर टू ट्रैक क्वारंटाइन पीपल थ्रू गूगल मैप. वी सेफ टनल हैज बीन इंस्टॉल्ड इन तेलंगाना टू सैनिटाइज पीपल. अ यूनिक डिसइंफेक्टेड नेम वी सेफ टनल सैनिटाइजेस पीपल फ्रॉम एनी पॉसिबल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स विद इन 20 सेकेंड्स. झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन प्रज्ञाम टू इशू ई पासेस. द ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन. दिस ऐप एम्स टू इशू ई पासेस टू एवरीवन एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग द नेशनल लॉकडाउन टू कर्व द स्प्रेड ऑफ कोविड 19. तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके. थैंक यू.